अस्सलाम वालेकुम। बायो स्टेटिस्टिक्स यूनिट नंबर 4, द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो हमारा यूनिट है हम इसके बारे में बात करेंगे। BSN 6th सेमेस्टर का ये टॉपिक है। सबसे पहले तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये भी सेम टॉपिक है। जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम जी स्कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों को समझना है। जो बेसिक टॉपिक है, जो हमने बेसिक चीज़ को समझना है, वो है नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट नंबर हमारा 4 है। सबसे पहले बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब तक आप 3 यूनिट्स पढ़ चुके हो जिसमें आपने सेंट्रल टेंडेंसी तक पढ़ा है। मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो सादा से अल्फाज में समझिए, स्प्रेड ऑफ डेटा। डेटा जो स्प्रेड होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्प्रेड ऑफ द डेटा पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने कुछ इस तरह से देखी है कि एक इस तरह से शेप बनती है। इस शेप को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये जो बेल शेप्ड है, ये बेल शेप कर्व जो है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी को हमने समझना है, पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस को जानना है कि ये बेल शेप कर्व बनती है, इसके क्या मतलब बनता है। देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर डिफाइन करें, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। सिमेट्रिक अबाउट द मीन क्या मतलब? मीन तो आप जानते हो कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीन है। जैसे कि ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीन। अगर आप देखें तो मीन के राइट साइड पे विच इज कॉल्ड इज अबव द मीन, या मीन के लेफ्ट साइड पे विच इज कॉल्ड इज बिलो द मीन। राइट साइड पे भी 50% डेटा आता है, लेफ्ट साइड पे भी 50% डेटा आता है। 50% को हम 0.5 भी कह सकते हैं, और इसको भी 0.5 कह सकते हैं। और ये टोटल अंडर द कर्व एरिया जो है ये 1 है। तो 1 को अगर आधा करें तो 0.5 एक साइड पे और 0.5 दूसरे साइड पे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि मीन के दोनों तरफ सेम प्रोबेबिलिटी है 0.5। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या जाहिर होता है? द डेटा नियर द मीन दे आर मोर फ्रीक्वेंट। देखिए, ये जो आपके पास मीन है इसके करीब करीब जो डाटा है, आप देखिए पॉइंट्स इसके काफ़ी हायर हैं। मतलब जितना मीन के करीब होते हैं उतनी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। और जितना आप मीन से दूर होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे मीन से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यही बात होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जितना मीन के करीब करीब जाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जितना मीन से दूर जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पूरे चैप्टर में हम इसी कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, कहते हैं व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या व्हाई वी नीड टू स्टडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं ऑल्दो फ्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस आर प्रिसाइसली नॉर्मल। अक्सर डेटा जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और कुछ उनमें से या तो बहुत प्रिसाइसली नॉर्मल होते हैं या तकरीबन नॉर्मल से रिजेंबल, मिलते जुलते हैं। यानी अक्सर जो हमारे पास डेटा आते हैं तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। यानी मीन के करीब करीब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितना मीन से दूर जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कहते हैं द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है सैम्पलिंग? सैम्पल का मतलब आपके पास एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है। पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन भी इस तरह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग कर लें, इस तरह सैंपल्स ले लें, तो ये सैंपल की भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल की भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है
और पॉपुलेशन की भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये चीज हम क्यों समझ रहे हैं, इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है? दिस इज यूज्ड इन एस्टिमेशन एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है, मीन, मीडियन, मोड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में फिर आता है एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस वगैरह, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 6 है वो इसके बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, यानी बायोस्टैट्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन एक्चुअल में इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लाया करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे तभी जाके आप आगे की बायोस्टैट्स समझ पाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये जो हम इस तरह की शेप बना रहे हैं, इस तरह की जो कर्व शेप हम बनाते हैं, ये जो शेप है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक होती है म्यू और एक है सिग्मा। म्यू का मतलब होता है मीन और सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या है, ये जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज म्यू, दैट इज मीन, और ये जो आप देख सकते हैं ना स्प्रेड ऑफ द डाटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट याद करें, उसमें क्या था, स्प्रेड ऑफ द डाटा। तो ये जितना जितना डाटा स्प्रेड है उतना उतना उसका सिग्मा आता है। तो जाहिर सी बात है अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है तो डाटा ज्यादा ज्यादा स्प्रेड है, आपको ये शेप इस तरह से मिलेगी, और अगर सिग्मा की वैल्यू कम है यानी स्प्रेड कम है तो आपको ये शेप कुछ इस तरह की मिलेगी, यानी कम आपके पास बेल शेप बनेगी। सो द मीन म्यू इट डिटरमाइंस द मिड पॉइंट, ये जो म्यू है ये बिल्कुल मिड पॉइंट बताता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा है वो क्या बताते हैं, वो स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ स्कोर, कि कितना डिस्पर्स्ड है, ठीक है। जितना सिग्मा की वैल्यू बड़ी होगी उतना ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, जितना सिग्मा की वैल्यू छोटी होगी उतनी छोटी डिस्पर्शन होगी। जैसे कि अगर सिग्मा की वैल्यू बड़ी है तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है, और अगर सिग्मा की वैल्यू कम है तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। तो देखिए स्प्रेड, ये यहां से लेके यहां तक स्प्रेड है क्योंकि सिग्मा बड़ा है, और ये यहां से लेके यहां तक स्प्रेड है क्योंकि सिग्मा छोटा है। तो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों पे डिपेंड करती है, ये बात आप अच्छे से याद रखें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नंबर वन फैक्टर इट इज कॉल्ड एज मीन और नंबर टू फैक्टर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब अगर आप देखें यहां पे बनाया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बीच का पॉइंट है दिस वन दैट इज म्यू दैट इज मीन, और ये अगर आप देखें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पर्शन है या स्प्रेड ऑफ द डेटा है दैट इज सिग्मा। सो जितना अगर सिग्मा चेंज करेंगे, चेंज इंक्रीज भी कर सकते हो डिक्रीज भी कर सकते हो, अगर सिग्मा इंक्रीज करोगे तो डिस्पर्शन बड़ी हो जाएगी, अगर सिग्मा डिक्रीज करोगे तो डिस्पर्शन छोटी हो जाएगी। और म्यू क्या करता है, चेंजिंग द म्यू शिफ्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट। वैसे तो म्यू बीच में है, आप म्यू की वैल्यू चेंज करो तो ये मिड पॉइंट लेफ्ट पे भी जा सकता है, मिड पॉइंट राइट पे भी जा सकता है। अब अगर आप देखें यहां पे एग्जांपल्स हैं, एक तो आपके पास ये, अगर आप देखें बीच वाला जो ये पॉइंट है, ये जो आपके पास एक लाइन आ रही है इस तरह नीचे, ये क्या है, म्यू है, और ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं जो नीचे मिलते हैं फिर, ये क्या है आपके पास, सिग्मा है। सिमिलर कर्व है, और अब ये कर्व देखें, इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है यहां पे, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां तक आती है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो ऑरेंज कलर का कर्व है इसका जो सिग्मा है वो कम है, जबकि ये रेड कलर का जो कर्व है इसका जो सिग्मा है वो ज्यादा है। ऑरेंज कलर का सिग्मा कम है, रेड कलर का सिग्मा ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा स्प्रेड है और ऑरेंज कलर कम स्प्रेड है। तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक नहीं होती, बहुत सारी है, डिपेंड किस पे करते हैं, दो फैक्टर पे, नंबर वन ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड मीन और नंबर सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। एमसीक्यू के हवाले से ये बातें याद रखिए। अब कहते हैं देयर इज नॉट वन नॉर्मल कर्व बट मेनी, कहते हैं एक नॉर्मल कर्व नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। क्यों, बिकॉज नॉर्मल कर्व डिपेंड करती है म्यू पे और सिग्मा पे। अब अगर म्यू 52 है और सिग्मा है 12 तो उसकी कर्व देख लें, ये आपके पास म्यू 52 है, सिग्मा 12, 12 माइनस करें और 12 प्लस करें
वन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर 12 इधर आया और 12 इधर आया सेकंड स्टैंडर्ड, फिर ये थर्ड स्टैंडर्ड तक यहाँ तक आ गया, ठीक है। और अगर दूसरी वैल्यू देखें, म्यू अगर 52 है और सिग्मा 24 है, तो देख लें उसकी कर्व, म्यू तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन कर्व इतनी फैली हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो वाली है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्क क्या है, एक का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बड़ा है तो स्प्रेड देखें उसका बड़ा है, और दूसरे का सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है कम है तो उसका ये स्प्रेड भी कंपैरेटिवली कम है। तो यानी कि दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों नॉर्मल बेल शेप कर्व्स हैं, लेकिन डिपेंड दो फैक्टर्स पे करती है। नंबर वन ऑफ द फैक्टर इज म्यू एंड नंबर टू इज सिग्मा। म्यू का मतलब मीन और सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये जो हम नॉर्मल कर्व इस तरह से बनाते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने समझना है, ठीक है। थोड़ा उस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इट इज अ बेल शेप, जिस तरह घंटी होती है घंटी, ये उस घंटी की तरह की एक शेप है, बेल शेप्ड। दूसरा एसिम्प्टोटिक मतलब इनफाइनाइट सैंपल साइज, इसमें कितना भी आप सैंपल साइज रखें ये हमेशा बेल शेप ही रहेगा, ठीक है। दूसरा परफेक्टली सिमिट्रिकल, यानी कि मीन के एक साइड पे भी 0.5 है, मीन के दूसरे साइड पे भी 0.5 है, यानी कि दोनों परफेक्ट सिमिट्री है। हाफ डाटा इस साइड पे और हाफ डाटा इस साइड पे आता है, हाफ डाटा लेफ्ट पे हाफ डाटा राइट पे। जो लेफ्ट है वो है बिलो द मीन, जो राइट है वो है अबव द मीन, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या आता है, बीच वाली वैल्यू कोई मीन मीडियन मॉड, ये तीनों बिल्कुल सेंटर में आते हैं, जो सेंटर होते हैं इसमें मीन मीडियन और मॉड आते हैं, ठीक है। 50% वैल्यू बिलो द मीन या लेफ्ट साइड पे, और 50% वैल्यू जो होती है अबव द मीन, ठीक है। और ये नॉर्मल कर्व किस चीज से बनती है, दो चीजों से, एक है मीन और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है दो ही डिटर्मिनेंट्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैं शुरू से बात कर रहा हूं। नाउ देयर इज एन एम्पिरिकल रूल, एक एम्पिरिकल रूल, एक बहुत प्यारा रूल है, और वो क्या है, वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक से जानते हैं। जैसे कि ये फर्ज कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि बीच में क्या होता है, बीच में होता है म्यू यानी मीन, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप जाएंगे, यानी म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा यानी बिलो द मीन और प्लस सिग्मा यानी अबव द मीन, ये जो माइनस है ये वाला है माइनस सिग्मा, माइनस का साइन इधर और प्लस का साइन इधर है। तो वन सिग्मा से मतलब वन स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से मतलब वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको पता है 68% डाटा कवर होता है, कोई भी डाटा हो किसी भी सैंपल का हो, एम्पिरिकल रूल है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन 68% डाटा कवर करेगा। अगर आप टू सिग्मा पे चले जाएं, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस मतलब बिलो प्लस मतलब अबव, अगर टू सिग्मा यानी यहां तक टू सिग्मा और प्लस टू सिग्मा यहां तक आएंगे तो 95% डाटा कवर हो जाएगा। और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाएं तो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या है, यानी म्यू माइनस थ्री सिग्मा, म्यू माइनस थ्री माइनस साइड पे जाएं बिलो द मीन, तो थ्री सिग्मा तक जाएं तो 99.7% डेटा कवर होता है। ये हम बात जानते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर से। तो यही रूल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बड़ा अच्छा रूल है। अगर कोई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उस पूरे डेटा का अंदाजा लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। 99.7% डेटा का मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द डेटा। ये आप देख लें बीच में क्या है आपके पास, बीच में है म्यू यानी मीन, ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, सो यहां से लेके यहां तक ये वाला जो है ये सिग्मा है, या ग्रीन यहां से लेके यहां तक ये पूरा ये क्या है टू सिग्मा, और ब्लू यहां से लेके यहां तक ये क्या है थ्री सिग्मा यानी तीन सिग्मा। तो पहला सिग्मा 68% डाटा कवर करता है, दूसरा सिग्मा देख लें
95% डाटा कवर करेगा, और तीसरा देख लें 99.7% ऑफ द डेटा कवर करता है। तो आपको सिर्फ मीन पता हो, आपको किसी चीज का मीन पता हो और सिग्मा पता हो, किसी डाटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो, आप 99.7% ऑफ द डेटा का पता करवा सकते हैं। ये इतना अच्छा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्ज कीजिए मीन आपको मैं दे दूं 66 और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 11। एक डेटा है, डेटा मैंने कहा डेटा का जो मीन है वो 66 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 11 है, तो मुझे इस डेटा के पॉइंट्स बता दो कि मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। तो बीच में क्या है, मीन 66 है, तो बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 66। मीन हमेशा 66 बीच में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 11, क्या मतलब? वन स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या मुराद है कि 11 माइनस करो और 11 प्लस करो। मीन से 11 माइनस करो, 66 माइनस 55, 66 माइनस 11 तो 55, और 66 प्लस 11 77। तो 55 से लेके 77 तक ये जितना भी डाटा है 66% ऑफ द डाटा कवर हो जाता है। फिर अगर आप देखें टू स्टैंडर्ड पे जाएं, 11 मजीद माइनस करें और 11 मजीद प्लस करें, तो इधर 44 आएगा, इधर 88 आएगा, और इस तरह 11 मजीद माइनस कर लें और 11 मजीद प्लस कर लें तो 99 और 33। इससे क्या मुराद है कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो 33 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है। आपका जो डाटा है उसकी मिनिमम वैल्यू 33 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 99, यानी जितना भी डाटा पॉइंट्स हैं वो सारे 33 और 99 के बीच में आते हैं। इस 33 से कम कोई पॉइंट नहीं आता और 99 से बड़ा भी कोई पॉइंट नहीं आता। तो देख लें, आपको किसी भी डाटा का सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो आप कंप्लीट डाटा सेट बता सकते हैं। सो ये 68%, 95% और 99.7%, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68%, टू स्टैंडर्ड डेविएशन 95% और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन 99.7%। अब कहते हैं हाउ गुड इज द रूल फॉर रियल डाटा। ये जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई रियल केस सिचुएशन आ जाए रियल लाइफ में तो आप क्या करोगे? जैसे कि आपके पास फर्ज करें रनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो एथलीट्स हैं, भागते हैं, और टोटल 120 रनर्स हैं। फर्ज कीजिए आपके पास 120 रनर्स हैं, उनका जो बॉडी वेट है मीन वेट 127.8 पाउंड है, ठीक है, ये पाउंड है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.5, ठीक है। ये आपको एक डाटा दिया गया, डाटा का जो मीन है वो 127.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 15.5 है, ठीक है। ये देखें आपके पास मीन बीच वाली जो वैल्यू है, ये बीच वाली वैल्यू 127.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 15.5। अब आप वन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, यानी कि इसमें से 15.5 माइनस कर दें और इसमें 15.5 प्लस कर दें, तो एक तरफ आ जाएगा 143 और दूसरी तरफ आ जाएगा 112। तो ये जो डाटा है ये कवर कितना करता है, ये 68% डाटा कवर करता है। फिर मजीद 15.5 माइनस कर लें और मजीद उसमें 15.5 प्लस कर लें तो इधर आ जाएगा 96.8 और इधर आ जाएगा 158.8, ठीक है। अब आप देख लें थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मजीद 15 माइनस कर लें तो 81.3 और 174.3, तो ये थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इन बातों का मतलब समझे कि इनका मतलब क्या बनता है। आपके पास वन स्टैंडर्ड डेविएशन में रूल कहते हैं 68% लोग आने चाहिए, 68% टोटल रनर थे 120। रियल में जब देखा गया ना, रियलिटी क्या है, तो रियलिटी में टोटल 120 में से 82 रनर्स आए, ठीक है, 82। आपको क्या कहता है डाटा 68% इतना कहता है, जब देखा गया कि रियलिटी में कितने 79 रनर्स फॉल विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रियलिटी में जब देखा गया तो 79 आए, मतलब 82 और 79 काफी करीब करीब है। तो आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है कि कितने रनर्स हैं जो 68% की रेंज में आते हैं। तो आपको कैलकुलेशन क्या बताती है, 82, तकरीबन 82 रनर्स आने चाहिए, और जब आपने फैक्ट्स चेक किए तो 79 है, यानी तकरीबन 82 के करीब करीब है। फिर अगर आप देखें
95 यानी टू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है? टू स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है अगर आप कैलकुलेट करें 120 में से 95% लोग कवर होने चाहिए। अगर 120 का 95% देखें ना तो 114 में रनर्स आते हैं, और जब रियलिटी या फैक्ट्स देखे गए तो फैक्ट्स में 120 रनर्स थे और टोटल 120 में से 115 रनर्स ऐसे हैं जिनका बॉडी वेट 96 और 158 पाउंड के बीच में आता है। तो मतलब टोटल 115 कैलकुलेशन करती है, 114 आने चाहिए और रियलिटी में 115 है, तो यानी 114 और 115 आपस में बहुत करीब करीब हैं। तो आपको टू स्टैंडर्ड डेविएशन ये डाटा कवर करके देता है। थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है? 99.7% लोग, इससे क्या मुराद है, 119.6 यानी तकरीबन 120 सारे के सारे मेंबर्स इन तीन स्टैंडर्ड्स में कवर होने चाहिए। और अगर रियलिटी देखी जाए तो तमाम 120 रनर्स जो हैं उनका जो बॉडी वेट है वो 81 और 174 के बीच बीच में आता है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन भी यही कहती है और फैक्ट भी यही है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम अपने आपस में रियलिटी चेक करें, हकीकत चेक करें, तो वाकई हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पॉपुलेशन में पाई जाती है। जिस तरह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि मीन के करीब करीब देख लें, मीन के करीब करीब फ्रीक्वेंसी चेक करें, जितना मीन के करीब करीब होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे जैसे मीन से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो आपको याद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है कि मीन के करीब करीब जो वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और मीन से दूर दूर जो वैल्यूज जा रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आप इस फैक्ट्स को देखें, यहां आपको बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रही है। अब एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल है जैसे कि सेट स्कोर होता है, अमेरिका में एक स्कोर होता है सेट, जैसे आप लोगों का होता है ना KMU कैट का एक टेस्ट होता है, आपको एडमिशन लेने के लिए KMU कैट का टेस्ट देते हैं। अमेरिका में एक टेस्ट होता है सेट, SAT सेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेट का स्कोर दिया है, मिनिमम स्कोर होता है 200 और मैक्सिमम होता है 800, ये उसकी रेंज है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेट टेस्ट दिया और ज्यादातर जब उनका मीन लिया गया तो मीन कितना था, इट इज 500 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 50 है, यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका जब मीन स्कोर निकाला गया तो 500 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है। कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल स्कोर बिटवीन 450 एंड 550, फिर कहते हैं व्हाट परसेंटेज विल बी बिटवीन 400 एंड 600, और फिर कहते हैं व्हाट परसेंटेज विल बी बिटवीन 350 एंड 650। तीन सवाल पूछे गए। पहले आप क्वेश्चन समझिए, अमेरिका में कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और उनकी जब एवरेज मार्क्स देखे गए तो उनके एवरेज मार्क्स थे 500, और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखी जाए तो 50 है, तो यानी कि अगर आप 500 की स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो 50 इधर माइनस करें 50 इधर प्लस करें तो इधर आ जाएगा 450 और इधर आ जाएगा 550, ऐसा है। फिर टू स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, इधर आ जाएगी 400 और इधर आ जाएगा 600, और सिमिलरली इधर क्या आपके पास आएगा 350 और इधर आपके पास आएगा 650, ठीक है, जो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब उनके सवाल को समझिए, कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो 450 से लेके 550 के बिटवीन स्कोर करेंगे। हम स्टैंडर्ड डेविएशन जानते हैं कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आता है 68%, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यह है 68% स्टूडेंट्स 450 से 550 के बीच में स्कोर करें। अच्छा, कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 400 बिटवीन 600, यानी 400 से लेकर 600 यानी टू स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने परसेंट स्टूडेंट स्कोर करते हैं, तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या है 95% है। और कहते हैं 350 और 650 के बिटवीन कितना स्कोर है, तो 350 ये रहा और 650 ये रहा, तो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, तीन स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या है 99.7%। तो इतना सादा सा सवाल पूछा गया। अब ये देखें, पहले का आंसर है 68%, दूसरे का आंसर 95% और तीसरे का आंसर है 99.7%, ठीक है। ये सादा सा क्वेश्चन था जो रियलिटी में बेस्ड है। अब एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज जी स्कोर।
देखो मेरी बात को यहाँ गौर से समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास डाटा होता है, दुनिया में बहुत सारा डाटा। अभी हमने जो एग्जांपल ली थी वो अमेरिका के स्टूडेंट्स की थी। इसी तरह जब आपने KMU कैट दिया होगा तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने कुछ स्कोर किया होगा और कुछ मीन आया होगा उसका भी, कोई कोई आप लोगों का मीन स्कोर आया होगा, कोई ख़ास किस्म की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तो ये जो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये रियलिटी में बेस करती है, ठीक है। अब ज़रा सोचिए कि दुनिया में बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, मुख्तलिफ तरह का डाटा जनरेट होता है, हर किसी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग होता है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें इन तमाम डाटा को समझना है, बायोस्टैट्स अप्लाई करनी है, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। एक स्टैंडर्ड आपके पास होगा ना तो आप चीज़ों को आसानी कंपेयर कर सकोगे। एक स्टैंडर्ड चाहिए, और वो स्टैंडर्ड क्या होता है, वो स्टैंडर्ड होता है आपके पास जी स्कोर। एक स्टैंडर्ड के थ्रू हम ये तमाम कैलकुलेशंस आसानी कर सकते हैं। जी स्कोर कहता क्या है, मीन वैल्यू हमें पता होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता हो। लेकिन एक पॉइंट है, लेट सपोज ये, इस पॉइंट का और मीन का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। मीन का और एक खास किस्म के पॉइंट का आपस में क्या ताल्लुक बनता है, तो ये जो रिलेशनशिप है, किसी भी वैल्यू का रिलेशनशिप उसके मीन के साथ, इस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है जी स्कोर। क्या चीज, जी स्कोर। जैसे कि अभी हमने एक टेस्ट में देखा कि लोगों ने स्कोर किया था एवरेज 500। अब हर किसी ने 500 स्कोर तो नहीं किया, कुछ लोग होंगे जिन्होंने 450 स्कोर किया होगा, कुछ लोगों ने 619 स्कोर किया होगा, मतलब मुख्तलिफ तरह के स्कोर्स हैं। इन तमाम स्कोर्स का मीन से कोई ना कोई एक रिलेशनशिप तो बनता है, कुछ मीन से कम है, कुछ मीन से ज्यादा है। इस रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इस रिलेशनशिप को कौन मेजर करता है या इसको कौन डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड एज जी स्कोर, एक स्टैंडर्ड, ठीक है। जी स्कोर को मेजर कैसे करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहां से आती है, मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो ये जो जी स्कोर है ना, जी स्कोर, इसको भी हम इसी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालेंगे ताकि एक स्टैंडर्ड हमारे पास बन सके, ठीक है। कैसे करते हैं, जी स्कोर हमेशा लेते हैं जीरो। इसका मतलब क्या है, डेटा पॉइंट स्कोर इज आइडेंटिकल टू द मीन स्कोर, ठीक है। अगर तो जी स्कोर और मीन सेम है, यानी मीन और जेड इक्वल है, तो जी जीरो है। ये तब आएगा जब आपके पास अदर देन मीन हो, कोई भी पॉइंट हो उसका रिलेशनशिप देखना चाहें आप मीन के साथ, किसी भी पॉइंट का मीन के साथ अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें तो हम उसका रिलेशनशिप देखते हैं जी स्कोर से। अगर तो पॉइंट और मीन दोनों आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है तो जेड स्कोर बीच में है ही नहीं, जेड स्कोर इज जीरो, ठीक है। अब हमारे पास होता है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जेड। कैसे लेंगे, इसको लेने का तरीका ये होता है कि मीन आप कंसिडर करें कि जीरो है और स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडर करें कि वन है। क्या मतलब, मीन आप एक ऐसी लाइन खींचे और उसका जो मीन है वो क्या ले, जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन ले वन। तो यानी क्या मतलब हुआ इस बात का कि आप इस तरह से कर्व लगाएंगे तो यहां आ जाएगा आपके पास माइनस वन और यहां आ जाएगा प्लस वन, फिर यहां आपके पास आएगा माइनस टू और यहां आपके पास आएगा प्लस टू और यहां आपके पास आएगा माइनस थ्री और यहां आएगा प्लस थ्री। तो ये जो आपके पास है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। मीन हमने जीरो लेना है और यहां से आप आते हैं। अब ये जितने भी पॉइंट्स इन तीन स्टैंडर्ड्स के आते हैं, इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। हमारी आसानी के लिए एक टेबल के फॉर्म में जी स्कोर कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, और उस टेबल को हम कहते हैं जी स्कोर टेबल, जी स्कोर टेबल। उस टेबल में तमाम वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं, हमें बस डायरेक्टली वो वैल्यू देखनी है और हमें सारा अंदाजा हो जाता है। तो इस तरह से आप एक स्टैंडर्ड लेते हो। जी स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपके पास होगा मीन, जो मीन वैल्यू है ये म्यू, और एक होगा एक्स,
एक्स क्या होता है, कोई भी पॉइंट आपके डेटा का कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। उस डेटा पॉइंट को आपने क्या करना है, मीन से माइनस कर लेना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पे उसको डिवाइड कर लेंगे। बात समझ आ गई, किसी भी डेटा पॉइंट को मीन से माइनस करें और स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम डिवाइड करेंगे उसे, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज जी स्कोर, या इसको हम प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब द स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल कर्व, द जी स्कोर टेल्स अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस देयर आर बिटवीन सिलेक्टेड स्कोर एंड मीन। यानी कि आपके पास एक क्या होता है, मीन होता है, एक मीन है और एक यहां पे सिलेक्टेड स्कोर है। सिलेक्टेड स्कोर और मीन के बिटवीन कितना डिफरेंस है ये कौन बताता है, जी स्कोर बताता है। तो हम किसी भी पॉइंट का ताल्लुक उसके मीन के साथ कैसे देखेंगे, जी स्कोर की हेल्प से। ये अगर आप टेबल देखें, इस टेबल को हम कहते हैं जी स्कोर टेबल। ठीक है, ये आपके पास जी स्कोर टेबल है। अब देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से शुरू हुई थी, जीरो से, जीरो से थ्री तक। यानी अगर आप वो टेबल याद करें जिस तरह मैंने कहा कि मीन क्या होगा, जीरो होगा, और मीन से इधर और मीन से लेफ्ट पे और राइट पे आप देखें तो यहां तक माइनस थ्री तक गया था, इधर प्लस थ्री तक गया था। ठीक है, तो वन से थ्री तक आती है, यहां जीरो से लेके थ्री तक तमाम वैल्यूज गिवन हैं। अगर आप देख सकते हैं तो तमाम वैल्यूज आपके पास गिवन होती हैं। ठीक है, तो थ्री तक सारी वैल्यूज गिवन है इस टेबल में। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे आपने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सैट का टेस्ट दिया था, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि केएमयू कैट का जैसे टेस्ट होता है, इस तरह से अमेरिका के अंदर एक टेस्ट होता है सैट। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो, उसमें मीन स्कोर वो बच्चों ने लिया था वो था 500, मीन स्कोर लिया गया था और स्टैंडर्ड डेविएशन था 50। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एग्जाम्पल पढ़ी है। अभी क्वेश्चन किया जाता है, What is the probability of getting a math SAT score of 575 or less? क्या कहता है कि एक टेस्ट हुआ जिसका मीन वैल्यू थी 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन थी 50। वो पूछता क्वेश्चन है कि कितने चांसेस हैं कि एक बच्चा 575 स्कोर करे, कितने परसेंट चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदा इतना स्कोर करे। यानी मीन आपके पास 500 है और 575 स्कोर करता है तो कितना चांस है, ये आप चेक करोगे मीन और इस पॉइंट का आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है, कितना परसेंट रिलेशनशिप बनता है कि बच्चा 575 या 575 से कम स्कोर कर सकता है। तो देखें फार्मूला क्या होता है आपके पास, z स्कोर इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x क्या है, x कोई भी वैल्यू है, म्यू क्या है, म्यू आपके पास मीन है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों पर डिपेंड करती है, म्यू यानी मीन और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये क्या है, ये कोई भी पॉइंट है डिफरेंस फ्रॉम द मीन। तो देखें एक्स की वैल्यू तो 575 है और मीन 500 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है। सो अगर आप इसको सॉल्व करें इसका आंसर आता है 1.5। तो जी कितना आता है, 1.5। अगर आप वो जो आपके पास जी का टेबल है, जी स्कोर टेबल, उसमें अगर आप 1.5 चेक करेंगे तो ये देखिए 1.5 प्लस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। 1.5 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 1.5 अबव द मीन, यानी मीन से ज्यादा। मीन अगर यहाँ पे है 500, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1.5 अबव द मीन है यानी इस साइड पे 1.5, यहाँ पे 575 जो यहाँ पे आ रहा है ना, जो आप देख सकते हैं, इसका इससे रिलेशन क्या बनता है, वो बनता है 1.5। अब 1.5 हमने कहां देख रहे हैं, जी स्कोर में। जब हम 1.5 को जी स्कोर में देखेंगे ना तो वहां पे इसकी वैल्यू आती है 0.4332। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये कितना आ रहा है, 1.5 का स्कोर है 0.4332। तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कितना चांस है कि एक बच्चा या तो 575 या 575 से कम स्कोर करे। तो 0.5 मीन के इस साइड पे भी 0.5 आता है, मीन के इस साइड पे भी 0.5 आता है। तो ये 0.5 तो इसमें से कोई भी स्कोर कर सकता है, यानी कि
कम तो कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा रहा था, 575 तक। तो 0.5 में से आपने ये वाली वैल्यू देखनी है कि 0.5 में से कितना चांस है, 0.4332। तो एक यहां से मीन अबव द मीन आया 0.4332 और बिलो द मीन कंप्लीटली 0.5, दोनों को आपस में ऐड करें तो ये आ जाएगा 0.9332। और इसकी परसेंटेज लेंगे यानी इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 93.32%। तो इसका क्या मतलब हुआ, 93.32% चांसेस बनते हैं कि इस बच्चे का स्कोर 575 हो या इससे कम हो। तो ये जो 0.4332 है ये आप देखें इस वैल्यू को बता रहा है अबव द मीन, और ये जो 0.5 है ये आपको बता रहा है बिलो द मीन, दोनों आपने ऐड किए हैं। ये देख लें आपके पास आया था 1.5, तो 1.5 देखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.4332 जो आपने वहां पे पुट की। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें स्कोर्स इन अ टेस्ट हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक टेस्ट लिया गया और उसमें बच्चों ने कुछ नंबर लाए हैं, तो वो जो नंबर है वो बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका मीन क्या है, मीन उसका है 70, ठीक है, एक टेस्ट हुआ जिसका मीन स्कोर है 70, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, यानी 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब है 5 स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि इधर 5 माइनस करेंगे और इधर 5 प्लस करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 65, फिर आपके पास आएगा 60 और फिर आएगा 55, जबकि इधर क्या आएगा 75 फिर 80 और फिर 85, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब कहता है सो अज्यूम द स्टूडेंट्स नीड टू गेट 60 मार्क्स इन टेस्ट टू पास द कोर्स, यानी पासिंग मार्क्स कितने थे, 60 थे, 60 पासिंग मार्क्स हैं और स्टूडेंट्स ने ज्यादातर 70 लिए, यानी मीन 70 है। क्वेश्चन कहता है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक द टेस्ट आर एबल टू पास द कोर्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट किया और पास हुए, क्या परसेंटेज बनती है कि कितने परसेंट लोगों ने ये टेस्ट पास किया होगा। तो देखें फार्मूला बड़ा सादा सा है, आपने जी स्कोर निकालना है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। एक्स क्या है, x आपको दिया गया 60, यानी आप 60 पुट कीजिए, म्यू कितना है वो आपको मीन दिया गया 70, 60 माइनस 70 और सिग्मा कितना है 5 है, आप ये सॉल्व करें, 60 से 70 माइनस करें तो माइनस 10 आएगा, उसको 5 पे डिवाइड करें तो माइनस 2 आएगा। फिर इस माइनस 2 को कहां देखेंगे, माइनस 2 को जी स्कोर टेबल में देखें, उसका अपना आंसर आ जाएगा। देखिए फार्मूला क्या है, जी स्कोर एक्स माइनस मू ओवर सिग्मा, जी स्कोर है 60 माइनस 70 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या है माइनस 2। अगर हम जी स्कोर टेबल में माइनस 2 की वैल्यू देखें जो सिर्फ 2 है तो 0.4772। माइनस 2 या माइनस से क्या मुराद है, देखें आपके पास अगर ये आता है ना तो मीन कितना था आपके पास, दैट वाज 70, मीन 70 था और ये 60 पासिंग मार्क्स थे, ये थे 60, तो इस जगह तक की जो वैल्यू है, ठीक है, वो एक तो है 0.4772। ये जो बीच में माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन बिलो द मीन और पॉजिटिव का साइन हुआ तो अबव द मीन, माइनस या प्लस का सिर्फ यही मतलब होता है, मीन से कम या मीन से ज्यादा, ठीक है। अभी 60 की जो वैल्यू आ रही है 0.4772 बिलो द मीन है, राइट साइड पे क्या है, ये 0.5 कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर आप देखिए पूछा कि कितने परसेंट चांस है कि स्टूडेंट ने टेस्ट पास किया है, तो देखिए 60 तो पासिंग मार्क्स है, 60 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन सब ने टेस्ट पास किया है, तो 0.5 तो यहां से पास हुए हैं और यहां से कितने पास हुए 0.4772, तो 0.4772 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 0.9772। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 97.72, यानी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये दो पॉइंट्स इधर आ जाएंगे, 97.72% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है। आप ये देखें उसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है कि ये वाले जो है ना ये 0.5 ये सारे पास हैं और यहाँ से 0.5 सारे पास नहीं है, ये जो 60 से अबव वाले हैं सिर्फ ये, तो ये कितना बनता है जी स्कोर, ये 0.4772 बनता है, यानी 0.5 से थोड़ा कम है। अच्छा उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, कहता है कि अगर 65 पासिंग मार्क्स होते तब क्या होता, यानी क्वेश्चन सेम है कि मीन कितना है उनका, मीन है 70
स्टूडेंट्स ने अगर 65 जो है 65 पासिंग मार्क्स हैं, तो अब बताएं कि कितने स्टूडेंट्स पास होंगे। तो बिल्कुल सेम बात है, मीन आपको पता है 70 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो एक्स में क्या करेंगे, एक्स की जगह आप पुट करेंगे 65, उसको माइनस करेंगे 70 से और डिवाइड करेंगे 5 पे, ठीक है। तो अगर आप देखें 65 माइनस 70 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा आंसर -1, ठीक है। -1 को अगर जी टेबल में देखें तो 0.3413, तो ये जो -1 की वैल्यू है ना, यहां से लेके यहां तक वो कितनी बनती है 0.3413। 0.5 तो कंप्लीट था, 0.5 में से कितना आया 0.3, तो ये 0.5, ये सारे तो ऑलरेडी पास हैं, यहां से कितने पास हैं 0.3413, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 0.5 और 0.3413, ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो पास हुए हैं, दोनों को ऐड करेंगे 0.8413 आएगा, परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.13 स्टूडेंट्स पास हुए हैं अगर 65 पासिंग मार्क्स थे। और अब क्या है आपके पास, कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक द टेस्ट आर एबल टू गेट द स्कोर बिटवीन 60 एंड 75। अब एक थोड़ा सा सवाल बदल दिया है कि अगर आप मुझे ये बताएं कि 60 और 75 इनके बिटवीन कितने लोगों ने मार्क्स लिए हैं। देखिए मीन तो आपको पता था ना कि मीन क्या है, मीन तो आपको पता है कि 70 है, 60 जो है वो यहां आता है बिलो द मीन, और 75 जो है अबव द मीन है। वो पूछ रहा है कि 60 और 75 कितने बच्चे लाए करते हैं 60 और 75 के बीच में। तो आपको ये पता है बिलो द मीन भी 0.5 होता है, अबव द मीन भी 0.5 होता है, तो आप 60 की भी वैल्यू निकाल लो और 75 की भी वैल्यू निकाल लो, ये वाली भी 0.5 में से आपको वैल्यू देगा, ये वाला भी 0.5 में से वैल्यू देगा, दोनों को आपस में ऐड कर लो। तो देख लें 60 ये है, 60 के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे 60 - 70 / 5, यानी फार्मूला वही है z = x - μ/σ, और इधर भी देख लें z = x - μ/σ, तो यहाँ पे जो x है वो है 60 और यहाँ जो x है वो है 75, तो यहाँ का आंसर -2 आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 1, तो -2 को z टेबल में देखें 0.4772 आएगा, 1 को z टेबल में देखें 0.3413 आएगा, तो यहां से कितना आया 0.4772, यहां से आया 0.3413, दोनों को आपस में ऐड कर लें, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 0.8185 आएगा, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 81.85, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था 81.85% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कोर किया 60 और 75 के बीच में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो ये आपके पास टेबल है, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं कि 1 है तो 1 का ये आंसर आया था, और 8 का 2 आया था तो 2 देख लें तो उसका ये आंसर है 0.4772 0.3413। बस याद रखें माइनस का साइन का मतलब क्या है के बिलो द मीन ये वाली जगह, और प्लस साइन का मतलब अबव द मीन ये वाली जगह, बाकी माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं बनता, ये सारी वैल्यूज माइनस के साथ भी हैं और प्लस के साथ भी हैं। अब एक दूसरी एग्जांपल है, कहते हैं कि जी स्कोर पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है जिसका एक जी स्कोर है, उस पॉपुलेशन का जो मीन है मीन आईक्यू स्कोर 100 है, यानी कुछ लोग हैं जिनका आईक्यू टेस्ट किया गया इंटेलिजेंस, और उसने देखा कि इन 100 उसकी मीन वैल्यू है, इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि 115 इधर होंगे और यहाँ पे अगर आप 15 माइनस कर लें तो 85 इधर है, फिर इस तरह से अगर यहाँ पे आ जाए तो 70 आएगा, और मजीद आगे चले गए तो 130 आएगा, तो इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक रैंडम बंदा उठाएं जिसका आईक्यू 110 होगा, एक रैंडम बंदा है जिसका आईक्यू यहां 110 है, आपने ये बताना है इसको कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द पीपल, इन बाकी तमाम लोगों के साथ, ये जो पीछे हैं इन तमाम लोगों के साथ आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, मीन हमें पता है 100 है और ये वैल्यू क्या है एक्स है, जिसको हमने मीन के साथ कंपेयर करना है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए z = x - μ/σ, तो x कितना है, x है
110 और म्यू है 100 और सिग्मा है 15. तो अगर आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो क्या आएगा, 110 माइनस 100 डिवाइड बाई 15, तो जेड आता है 0.67. ये जी स्कोर है. इस जी स्कोर को आपने जी स्कोर टेबल में देखना होगा, ठीक है. तो अगर आप देख लें 0.6 तो ये है, 0.67 कहाँ आता है, ये देखें 0.67 इस तरह आ गया है, तो ये देखें 0.7 ये है, तो 0.6 और 7 यहाँ से आ जाएगा. तो वैल्यू क्या थी, 0.67. तो 0.6 तो ये आप आगे इस तरह आ रहे, कहाँ तक आ रहे हैं, 0.67 तक. तो ये वैल्यू आती है, ठीक है, ये 0.2486. तो 0.2486 आपका जी स्कोर आ गया, ठीक है. हमें पता है कि वो 110 की वैल्यू का जवाब कितना आया, ये जो यहाँ पे 100 मीन था और यहाँ था 110, तो यहाँ का जी स्कोर क्या है, 0.2486, यानी 0.5 में से इसका स्कोर आया 0.2486 और पीछे ज़रा 0.5 है. हमने क्या करना है, इसका कंपेयर करना है. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में ऐड कर लें, दोनों को जब ऐड करेंगे आंसर आएगा 0.7486. इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 74.86, यानी कि इस बंदे का IQ बाकी लोगों से 74.86% जो है वो कंपेयर होता है, मिलता जुलता है, ठीक है. तो बाकी लोगों से तकरीबन 74.86% इसका IQ ज्यादा है. अब एक और एग्जांपल, एक डिफरेंट एग्जांपल है. यहाँ पे कहते हैं कि आप एक पॉपुलेशन है, अमेरिकन लोग हैं, उनका बॉडी वेट है, उनकी अपने बॉडी वेट कितना है, 156 पाउंड, ठीक है. ये उनका एक एवरेज बॉडी वेट है और जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है 8 पाउंड्स, ठीक है. इन लोगों की उम्र है 21 से 30 साल. खैर ये जो इन्फॉर्मेशन है 21 से 30 साल वाली बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमें इस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने क्वेश्चन में आपको दी है. पॉइंट ये है, कहते हैं कि कुछ एक पॉपुलेशन है जिसका मीन बॉडी वेट 156 पाउंड है, ठीक है. और आपने क्या करना है, आपने ये बताना है उस पॉपुलेशन में कि इफ यू सिलेक्ट अ मेल एट रैंडम, आप कोई भी अगर मेल उसमें से सिलेक्ट करे, तो कितना परसेंट चांस होगा कि उस बंदे का वेट 160 पाउंड हो या 160 पाउंड से ज्यादा हो. क्वेश्चन को फिर से समझे, एक पॉपुलेशन है, इस तरह से एक पॉपुलेशन है, उसका बॉडी वेट है पाउंड्स में, एवरेज वेट है 156 और आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, ये आपको बता दिया गया. कहता है कि अगर मैं रैंडमली किसी बंदे को उठाऊं उसमें से, तो कितना चांस है कि उसका वेट 160 या 160 से ज्यादा होगा. तो क्वेश्चन सिंपल है, जी स्कोर आपको पता है, एक्स वैल्यू कितनी दी गई 160, मीन क्या है 156 और सिग्मा आपको दिया है 8. तो बस सॉल्व करिए इसको, कैसे, 160 माइनस 156 डिवाइड बाय 8. तो 160 से 156 माइनस करेंगे तो इसका, और 8 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है. तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, 0.5 इसका आंसर है. 0.5 को आप जी टेबल में देखें तो वो आता है 0.1915, ठीक है. तो देखिए 156 की वैल्यू दी है, 160 इधर है, तो इस सेक्शन में, ये जो सेक्शन 0.5 है, इसमें से इस बंदे का स्कोर कितना है, वो है 0.1915. यानी कि इस बंदा, कहते हैं क्वेश्चन ये था कि 160 या 160 से ज्यादा होगा, तो कम से कम 160 तक आने का चांस कितना है इसके पास. तो अगर आप ऐसे करें कि 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर दें, ये वैल्यू आप अगर माइनस करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. आपने असल में ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर आप 0.5 में से 0.1915 माइनस कर दें तो 0.30 आ जाएगी. ये वाली वैल्यू जो है वो 0.30 आ जाएगी. इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 30.85%, या इसको अगर राउंड ऑफ कर लें तो 31% आ जाएगा. तो 31% चांस बनता है कि इस बंदे को जो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया है, या तो इसका वेट 160 हो या 160 से ज्यादा हो, 31% चांसेस बनते हैं. अब है एक और क्वेश्चन, कहता है कि इफ बर्थ वेट इन अ पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 109 आउंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 13. क्या कह रहा है कि बर्थ है एक वार्ड में, लेट सपोज न्यू बर्थ हुई है, नए बच्चे पैदा हुए हैं. अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं
उनकी बॉडी वेट के हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है, उनकी बॉडी वेट, ठीक है। वो कहते हैं कि जो मीन बॉडी वेट है वो 109 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 13 है। ये कुछ आपको डाटा दिया गया कि बॉडी वेट 109 आउंसेस है और डेविएशन 13 है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ बर्थ वेट ऑफ 131 और हैवियर। क्या कह रहा है आपको कि इस तरह से आपके पास एक डाटा गिवन है जिसका मीन है 109 और स्टैंडर्ड डेविएशन 13 इधर ऐड करते जाएं इधर से माइनस करते जाएं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कितना चांस है कि बच्चे का वेट 131 या 131 से ज्यादा आए, कितना चांस है कि एक बच्चे का वेट 131 या 131 से ज्यादा आए। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कितना चांस है कि बच्चे का वेट 121 या 121 से कम आए, यानी 121 या 121 से कम आए। तो बड़ी बात साफ है, समझने वाली है कि अगर आप देखें यह बीच की लकीर है यानी मीन 109 है, इधर भी 0.5% चांस होता है, इधर भी 0.5% चांस होता है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, 131 या इससे ज्यादा, यानी 131 या ज्यादा, तो सिर्फ इस लेवल पे बात की जा रही है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में 121 या उससे कम, तो 121 तो अगर यहां पे है तो उससे कम ये पूरा डाटा बनता है, कहीं पे भी वो बच्चा लाए कर सकता है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहला है 131 के लिए, यानी x 131 है, म्यू 109 और सिग्मा 13 है, तो 131 मनफी 109 डिवाइड बाय 13, इसका आ जाएगा 1.69। ये 131 है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती हुई यहाँ से। 1.69 को अगर आप चेक करें जी स्कोर टेबल में तो उसका आंसर आता है 0.45। तो यानी कि ये जो वैल्यू है 131 की, यहां तक की वैल्यू है 0.45। तो 0.5 में से इस बच्चे का यहाँ पे स्कोर है 0.45, तो पीछे कितना बचा, 0.5 में से अगर आप माइनस कर लें 0.45 तो पीछे बचेगा 0.05। इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आंसर आएगा 5%। तो सिर्फ 5% चांस बनता है कि इस बच्चे का वजन 131 या 131 से ज्यादा आए, 5% चांस बनता है, ठीक है। वो आप देख लें 1.69, तो 1.6 और इस वैल्यू को लेके जाए 9 तक, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ बर्थ वेट ऑफ 121 और लाइटर, ठीक है। व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग बर्थ वेट 121 या 121 से कम। देखें ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद है कितनी है, ये 109 है, ये 121 है। अब 121 यहाँ पे है तो 121 माइनस 109 डिवाइड बाय 13 आंसर आएगा 0.92। 0.92 इसको आपने किस में चेक करना है, जी स्कोर टेबल में। तो जब आप 0.92 को जी स्कोर टेबल में देखेंगे ना तो उसका आंसर आपके पास आएगा 0.3212। ये जो वैल्यू है 0.3212, तो यहां तक 0.3212 है और इससे कम ये पूरा 0.5। तो आपने क्या करना है, 0.3212 और 0.5 को आपस में ऐड करना है तो टोटल आ जाएगा 82.12%। तो यानी कि 82.12% चांसेस हैं कि बच्चे का वजन 121 या इससे कम, बहुत सारा चांस है कि 121 से कम भी आ सकता है। अब आपको एक होमवर्क दिया गया है कॉलेज की तरफ से कि हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन लाइज अबव और बिलो अ सर्टेन लेवल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको पता चलता है। फिर कहते हैं इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉबिट हाइट इज नॉर्मल मीन विद 120 स्टैंडर्ड डेविएशन 20, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ हॉबिट टॉलर देन 120 सेंटीमीटर। बड़ा सादा सा सवाल है, कहते हैं कि कुछ हॉबिट्स हैं, हॉबिट्स बोनो को कहते हैं, बोने जो होते हैं, कहते हैं कि कुछ हॉबिट्स हैं उनका जो वेट है, हाइट है, हाइट वो 120 मीन उनका 120 है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 20 है, तो यानी 140 और 160 इधर आएगा और इधर क्या आएगा 100 और फिर इस तरह 80 और फिर थर्ड तक जाए तो 60। कहते कितने परसेंट चांस है कि किसी हॉबिट का वेट हाइट 125 या 125 से ज्यादा हो, तो 125 कहीं यहां पे आता है। कहते कितने परसेंट चांस है, तो भाई सादा सी बात है, z इज इक्वल्स टू क्या,
x माइनस न्यू डिवाइड बाय सिग्मा, तो x कितना है 125 है, न्यू है 120 और सिग्मा कितना है वो भी 20 है। तो अगर आप माइनस करेंगे 5 डिवाइड बाय 20 तो 515, ये 1/4 आ गया, 1/4 का आंसर आता है 0.25। 0.25 को आपने क्या करना है, z टेबल में देखना है, ठीक है, z टेबल में इसका आंसर देखेंगे, उसका एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। तो जो भी आंसर आता है उसको आपने क्या करना है, 0.5 ये वाली जो वैल्यू, यानी यहाँ का एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कर देंगे और आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाएगी कि इतने परसेंट चांस है कि इस हॉबिट का वे हाइट जो है 125 या 125 से ज्यादा। दूसरा होमवर्क क्या है, कहते कोलेस्ट्रॉल लेवल है कुछ लोगों का कम्युनिटी में, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन 160 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 30 है, तो आइडेंटिफाई करें आउटलायर्स। आउटलायर्स आपको याद हो वो लोग जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ना आए, वो आउटलायर्स हैं। तो बड़ा आसान सी बात है, आप क्या करें इस क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व करें, देखें मीन कितना है आपके पास, मीन है आपके पास 160, तो ये 160 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 30, तो 30 ऐड करें, फिर 30 ऐड करें, फिर 30 ऐड करें, फिर 30 माइनस और 30 माइनस करें यहाँ पे, तो 160 में 30 ऐड करें 190, इधर ऐड करें तो आपके पास आएगा 220 और फिर इधर आएगा 250 और माइनस कर देते हैं 160 से तो 130 और यहाँ पे आएगा 100 और मजीद यहाँ पे आएगा 70। अब देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाटा है वो 68% कवर होता है, यहां से लेके यहां तक का डाटा वो कवर होता है 95% और यहां 70 से लेके 250 तक का डाटा 99.7% कवर होता है। ऐसा कोई डाटा है जो 70 से कम हो या 250 से ज्यादा हो? तो अगर आप देखें 70 से कम क्या है, तो 248, 255, 197, 300, 99, 98, 59, 70 से कम 59, तो ये क्या है, आउटलायर है। कम से कम आपके पास 70 होना चाहिए, 70 से कम कोई है तो आउटलायर है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू 250, तो 250 से ज्यादा कोई है ये आउटलायर है 255, 300 ये भी आउटलायर है, ये भी ज्यादा है। तो ये दोनों और ये तीनों डिजिट्स आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आती, तो ये तीनों क्या है, आउटलायर्स हैं। आउटलायर क्या होता है, वो वैल्यू जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कवर नहीं होती वो आपके पास आउटलायर है, तो ये तीनों वैल्यूज आउटलायर्स हैं। तो यहां तक आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, दैट वाज यूनिट नंबर 4 जिसमें आपने पढ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।